ये बताइए, अब सांसद का चुनाव आने वाला, चले किसानों पर तो हमने बात कर ली, सवाल ये है कि अब आने वाले समय में वोट किस तरफ जाने वाला है? वैसे तो आप भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है सरकार में इसमें? यहाँ की वोट तो जो है हमारे सांसद को मिलेगी। यहाँ की जनता इतनी खुश हुई जब धारा 370 पे जो है प्रदीप जी ने साइन करे, वहाँ से जाकर हमारे सांसद ने, तो जनता ने जो है जयकार के नारे लगाए प्रदीप चौधरी जी के भी, और जो है उन्होंने जो हमारा राष्ट्रपति चुना गया उसके भी प्रस्ताव भरे प्रदीप चौधरी जी थे, और मोदी जी से सीधे संबंध जो है यहाँ से रेलवे लाइन का, सड़कों का पूरा जाल जो है प्रदीप जी ने बिछा दिया। नहीं तो उससे पहले तो क्या होता, आप सब ये इलाके वाले लोग जाने किस तरह के आतंक सांसदों के यहाँ से थे। ये तो हमारा भला आदमी है बेचारा, कोई भी आम आदमी जाके उसकी बाँह पकड़ कर कहते हैं भाई प्रदीप हमारा यो काम कर दे, MP साहब भी नहीं कहते प्रदीप कहें, इतना भला आदमी है, उसके पिताजी ने भी बहुत अच्छे कार्य करे और जो है उन्हीं का लाभ ये मिला। प्रदीप का पापा तो हमारा गुरु था, अच्छा मास्टर जी थे, कभी मिलना हुआ उनसे? उनके पापा से मिले पहले, सांसद जी से नहीं मिले? मास्टर नहीं, न तो मिले ही, लेकिन सांसद बनने के बाद वो कम मिले हमें। तो आदमी कैसे हैं जैसे चुनाव में काम कर रहे हैं? बढ़िया परिवार है प्रदीप का भी है। तो क्या लग रहा है भाई साहब, 2024 का चुनाव है, सांसद का चुनाव भी आ रहा है, सुगबुगाहट तेज हो गई, वोट कहाँ वोट दे रहे हैं इस बार? तो मोदी जी को दे रहे जी, मोदी जी को। सांसद ने ठीक काम किया यहाँ जी, आते हैं आपके बीच? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई ऐसी बात हमें। आप बताइए क्या लग रहा है, सांसद का चुनाव आ रहा है? सांसद का तो वोट तो ज्यादातर बीजेपी को ही जाएंगे यहाँ से, जो गठबंधन वाले तैयारी कर रहे हैं पूरी एकदम से कि 1200 हर इलेक्शन में 1200 वोट, इतना बड़ा गांव है, 1200 वोट बीजेपी की हैं, उन्हें कोई निकाल। काम कराया विकास क्षेत्र में सांसद ने? सर मेरी सरकार से एक गुजारिश है, ये जो फ्री वाला चल रहा ये बिल्कुल बंद होना चाह। फ्री क्या होना चाह, शिक्षा फ्री होनी चाह, सुरक्षा फ्री होनी चाह, और स्वास्थ्य फ्री होना चाह। ये जो फ्री वाला है ये लोग अपाहिज हो गए बिल्कुल। क्यों जी ऐसा है कुछ? खैर पशु आवारा पशु मुद्दा है, हाँ यो भी है, पशु का मुद्दा है जी, यो भी है। अच्छा जो इकरा असन टिकट मांग रही है भाई, इकरा का भी है, हो सकता है चौधरी परिवार भी टिकट मांग रहे हैं, उनका भी टिकट, तो उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं कोई आ जाओ यहाँ से, तो प्रदीप का मुकाबला ही नहीं है जी प्रदीप चौधरी का, हम तो कहे 19-20-21 कोई लड़ाक है प्रदीप के मुकाबले में मिलने के लिए। हाँ जी हमने तो पहले भी ये कह दिया था यहाँ से हमारे गांव वालों ने कि यहाँ नहीं आपको वोट मांगना, ना आपको तो जय केवल शामली देखो यहाँ से। मसौली के बाद गठबंधन बन रहा है भाई साहब के, मुस्लिम भी, जाट भी, गुज्जर भी, राजपूत, त्यागी, सब इकट्ठे हो गए खतौली में। ये गठबंधन तो पहले भी बने, सपा बसपा का गठबंधन जो है विदेशों तक की अलग थी, सपा बसपा का गठबंधन हो गया, अब कोई सीट नहीं मिलेगी आपके सामने, देखो कितनी सीट आई, इससे कुछ नहीं जाता, पब्लिक का गठबंधन, गरीब जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सहायता और हमारे सांसद की सहायता है प्रदीप।